आज हम यहाँ सब जमा हुए हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो कि 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है उसकी तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए। ये एक बड़ा अच्छा इवेंट रहा है। इसके अंदर जो है वो अलायंस फॉर डायबिटीज़ एंड लिवर डिजीज़ और अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल और इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ने सब ने कलैबोरेट करके एक आगही मुहिम का आगाज़ किया है जिसमें हमने स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व किया और बाकी गेस्ट भी बुलाए, वर्कशॉप्स का भी इंतज़ाम किया गया और माहरीन ने अपनी राय का भी इजहार किया। इसके अलावा जो हमारे मरीज़ थे और आम लोग थे उनके लिए फ्री डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग का भी इंतज़ाम किया गया। डायबिटीज़ एक तेज़ी से फैलने वाला मर्ज़ है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मसला इसमें जो ज़्यादातर आता है कि ये एक मौरूसी या पुराना चलने वाला मर्ज़ है जिसकी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं और पेचीदगियाँ ज़्यादा होने की वजह से इलाज महंगा भी है और तकलीफ़देह भी है। डायबिटीज़ से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी खुराक का और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए और बाकायदगी से वर्जिश की जाए। एक बड़ी अच्छी बात कहीं लिखी भी थी कि जेनेटिक्स लोड द गन, लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। हम अपनी मौरूसियत तो नहीं बदल सकते लेकिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और लाइफस्टाइल उसका ज़रूर बेहतर कर सकते हैं।